हाय गाइस, तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेस्ट गेमिंग माउस के बारे में विच यू कैन बाय अंडर 5,000 रुपीज। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं 1,500 रुपये से 2,000 रुपये के बीच में आने वाले माउसेस से, जिसमें पहला माउस है रेजर की ओर से उनका दैट हेडर एसेंशियल। ये माउस आता है 5 बटन्स के साथ, अप टू 6400 की DPI आपको इस माउस में मिल जाती है। रेजर के ही मैकेनिकल स्विचेस के साथ आता है, जिनके साथ आपको अप टू 10 मिलियन क्लिक्स मिलती हैं। ये माउस आपको 96 ग्राम्स का मिल जाता है, लेकिन इस माउस में आपको खाली ग्रीन लाइट मिलती है। एंड अगर हम इस माउस की प्राइस की बात करें तो रेजर का दैट हेडर एसेंशियल आपको आराम से 1,500 रुपीज का देखने को मिल जाएगा। बात करें दूसरे माउस के बारे में, जो है आपका लॉजिटेक की ओर से उनका G102 लाइट सिंक। इस माउस में आपको 6 बटन्स देखने को मिलते हैं, अप टू 8,000 की DPI आपको इस माउस में मिल जाती है। एंड ये माउस आपका 85 ग्राम्स का माउस है, एंड साथ ही में ये माउस आपका RGB के साथ आता है। इस बजट में काफ़ी फेमस माउस है। एंड अगर हम इसकी प्राइस की बात करें तो लॉजिटेक का G102 लाइट सिंक का भी आपको 1,500 रुपीज़ का देखने को मिल जाएगा। बात करें थर्ड माउस के बारे में, जो है कॉर्सियर की ओर से उनका कटार प्रो। इस माउस में आपको 6 बटन्स देखने को मिलते हैं, अप टू 12,400 तक की DPI के साथ आता है। एंड अगर हम इस माउस में मिलने वाले ऑप्टिकल सेंसर की बात करें तो इस माउस में आपको पिक्सार्ट का PAW3327 वाला सेंसर देखने को मिल जाता है। 69 ग्राम्स का माउस है, एंड साथ ही में इस माउस में आपको थोड़ी सी RGB लाइट भी मिल जाती है। एंड अगर हम इसकी प्राइस की बात करें तो कॉर्सियर का कटार प्रो आपको 1,700 रुपीज़ का देखने को मिल जाएगा। बात करें फोर्थ माउस के बारे में, जो है रेजर की ओर से उनका वाइपर मिनी। इस माउस में भी आपको 6 बटन्स देखने को मिलते हैं, रेजर के ऑप्टिकल स्विचेस के साथ आता है, जिनके साथ आपको अप टू 50 मिलियंस तक की क्लिक्स मिलती हैं। 8,500 तक की DPI आपको इस माउस में मिल जाती है। 61 ग्राम का माउस है, एंड इस माउस में भी आपको RGB मिल जाती है। ये माउस थोड़ा सा छोटा माउस है, छोटे हैंड्स के लिए ज़्यादा सूटेबल रहेगा। एंड लास्ट में अगर हम इसकी प्राइस की बात करें तो रेजर का वाइपर मिनी आपको अभी 2,000 रुपीज़ का देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं 2,000 रुपीज़ से 3,000 रुपीज़ के बीच में आने वाले माउसेस के बारे में, जिसमें पहला माउस है आपका HyperX की ओर से उनका पल्स फायर कोर, जिसमें आपको 7 बटन्स देखने को मिलते हैं, पिक्सार्ट के 3327 वाले सेंसर के साथ आता है, जो आपका अप टू 6200 DPI तक को सपोर्ट करता है, 1000 हर्ट्ज़ के पोलिंग रेट के साथ आता है, एंड अप टू 20 मिलियंस तक की आपको इस माउस में क्लिक्स देखने को मिल जाती हैं। एंड ये माउस आपका 87 ग्राम का माउस है। एंड अगर हम इसकी प्राइस की बात करें तो HyperX का पल्स फायर कोर अभी के टाइम पे आपको 2,100 रुपीज़ का देखने को मिल जाएगा। बात करें इस रेंज के सेकेंड माउस के बारे में, जो है आपका लॉजिटेक की ओर से उनका G304 लाइट स्पीड वायरलेस, जो नाम से पता चल रहा है कि ये आपका वायरलेस माउस है, जिसमें आपको 6 बटन्स देखने को मिलते हैं, हीरो सेंसर आपको इस माउस में मिल जाता है, जिसके साथ आपको इस माउस में 12,000 तक की DPI का सपोर्ट मिलता है। एंड ये माउस आपका 99 ग्राम्स का माउस है। एंड अगर हम इसकी प्राइस की बात करें तो अभी के टाइम पे लॉजिटेक का G304 लाइट स्पीड आपको 2,800 रुपीज़ का देखने को मिल जाएगा। बात करें थर्ड माउस के बारे में, जो है रेजर की ओर से उनका डेट हेडर V2। इस माउस में आपको 8 बटन्स मिलते हैं, रेजर के फोकस प्लस 20K वाले सेंसर के साथ आता है, जो आपका अप टू 20,000 DPI तक को सपोर्ट करता है। रेजर के ही ऑप्टिकल स्विचेस आपको इस माउस में मिल जाते हैं, जिनके साथ आपको अप टू 70 मिलियंस तक की क्लिक्स मिलती हैं। एंड अगर हम इसके वेट की बात करें तो ये माउस आपका 82 ग्राम्स का माउस है। एंड अगर हम इस माउस की प्राइस की बात करें तो रेजर का दैट हेडर V2 अभी के टाइम पे आपको 2,800 रुपीज़ का देखने को मिल जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट रेंज की ओर, जो है अंडर 4,000 रुपीज़, जिसमें पहला माउस है आपका लॉजिटेक का G542 हीरो। अब इस माउस के बारे में मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगा, सबको पता है काफ़ी भयंकर माउस है। हाँ, प्राइस बता देता हूँ, ये माउस अभी आपको 4,000 रुपीज़ का मिल जाएगा। बात करें दूसरे माउस के बारे में, जो है HyperX की ओर से उनका पल्स फायर FPS प्रो। इस माउस में आपको 6 बटन्स देखने को मिलते हैं, पिक्सार्ट के 3389 वाले सेंसर के साथ आता है, ओमरॉन के इसमें आपको स्विचेस देखने को मिल जाते हैं, जिनके साथ आपको 20 मिलियंस तक की क्लिक्स मिलती हैं, 1000 हर्ट्ज़ की पोलिंग रेट आपको इस माउस में मिल जाती है। एंड अगर हम इस माउस के वेट की बात करें तो ये माउस आपका 95 ग्राम का माउस है, तो ये माउस भी आपको 4,000 रुपीज़ का देखने को मिल जाएगा। बात करें थर्ड माउस के बारे में, जो है स्टील सीरीज की ओर से उनका राइवल 600। अब सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा, इसका डिज़ाइन काफ़ी मस्त है। इस माउस में आपको 7 बटन्स देखने को मिलते हैं, डुअल सेंसर के साथ आता है, जिसमें प्राइमरी आपका ट्रू मूव 3 ऑप्टिकल वाला सेंसर मिलता है, एंड सेकेंडरी आपको डेप्थ सेंसिंग लीनियर ऑप्टिकल सेंसर मिलता है, जो आपका अप टू 12,000 तक की DPI को सपोर्ट करता है। एंड इस माउस में आपको स्टील सीरीज के ही स्विचेस देखने को मिल जाते हैं, जिनके साथ आपको अप टू 60 मिलियंस तक की क्लिक्स मिलती हैं। एंड इस माउस को आप अपने हिसाब से 96 ग्राम से 128 ग्राम्स के बीच में एडजस्ट कर सकते हो।
एंड इस माउस में आपको RGB तो मिल ही जाती है। एंड अगर हम लास्ट में इस माउस की प्राइस की बात करें तो स्टील सीरीज़ का राइवल 600 भी आपको 4000 रुपीज़ का देखने को मिल जाएगा। बात करें अपने फोर्थ माउस के बारे में जो है कूलर मास्टर की ओर से उनका MM711। अब ये माउस भी आपका थोड़ा सा छोटा माउस है एंड काफ़ी लाइट वेट भी है, जिसमें आपको 6 बटन्स देखने को मिल जाते हैं। पिक्सार्ट का PMW3387 वाला सेंसर देखने को मिलता है जो अप टू 16,000 DPI तक को सपोर्ट करता है। इस माउस में भी ऑमरॉन के स्विचेस मिलते हैं जो अप टू 20 मिलियन तक की क्लिक्स के साथ आते हैं। ये माउस आपका 1000 हर्ट्ज की पोलिंग रेट के साथ आता है। एंड अगर हम इस माउस के वेट की बात करें तो ये माउस आपका 60 ग्राम्स का माउस है, मतलब काफ़ी हल्का माउस है। एंड अगर हम इसकी प्राइस की बात करें तो ये माउस आपका अमेजोन पे तो महंगा है, लेकिन बाकी जगहों पे ये आपको 3500 रुपीज़ का देखने को मिल जाएगा। बात करते हैं लास्ट सेगमेंट के बारे में जो है अंडर 5000 रुपीज़। इसमें जो माउस है वो है आपका रेजर की ओर से उनका बेसिलिस्क V3। ये माउस आपका 11 बटन्स के साथ आता है। रेजर के फोकस 26K ऑप्टिकल सेंसर के साथ आता है, जिनमें आपको 2600 DPI तक का सपोर्ट मिलता है। इस माउस में आपको रेजर के ही Gen 2 ऑप्टिकल स्विचेस देखने को मिल जाते हैं, जिनके साथ आपको 70 मिलियंस तक की क्लिक्स मिलती हैं। टिल्टेबल स्क्रोल व्हील आपको इस माउस में मिल जाता है। एंड अगर हम इस माउस के वेट की बात करें तो ये माउस आपका 101 ग्राम्स का माउस है, 100 ही ग्राम समझो। एंड अगर हम इसकी प्राइस की बात करें तो रेजर का बेसिलिस्क V3 आपको 4300 रुपीज़ का देखने को मिल जाएगा। तो ये थे सारे बेस्ट माउस अंडर 5000 रुपीज़। सस्ते से लेकर महंगे सबकी बात कर दी है। अब आप अपने बजट के हिसाब से इनमें से किसी भी माउस के साथ जा सकते हो जो आपको पसंद आए। तो बस इतना ही था आज की वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को शेयर करें एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें एंड साथ ही में उस बेल आइकन को भी जोड़ दबाएं। एंड अगर आप इनमें से किसी भी माउस को बाय करने में इंटरेस्टेड हो तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इन सबका लिंक दे दूंगा, आप जाके चेक कर सकते हैं। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। टिल देन बाय।